नमस्कार दोस्तों, मैं आपके चैनल जेम्स बॉन्ड में विवेक उपाध्याय स्वागत करता हूँ। ये न्यूज़ आया है आज अमर उजाला अखबार से, ये निकला है, नहीं सुधरी तो तीसरी लहर में रोजाना 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित। केंद्र, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश। यहाँ दोस्तों, जो कोरोना वायरस है वो तीसरी लहर में 4 लाख के पार एक दिन में आ सकता है, इसलिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो कड़ाई का पालन करवाएं। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियों में ढील देने के बाद लोगों की लापरवाही भारी पड़ सकती है। लोग नहीं सुधरे तो तीसरी लहर में हर दिन 4 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संबंध व्यवहार का ठीक से पालन नहीं करने पर चिंता जताते हुए जिला प्रशासनों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी लहर आपको तो मालूम है आ चुकी है, वह दूसरी लहर की तुलना में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी संक्रमण के मामले फिलहाल कम नहीं हैं, महाराष्ट्र और केरल में लगातार इनमें बढ़ोतरी की जा रही है। जो दोस्तों आप जानते हैं, जो तीसरी लहर है वो पूरे वर्ल्ड में आ चुकी है और भारत में भी भले संक्रमण कम हो रहा हो लेकिन अभी संक्रमण पूरा ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों आपको पता है कि आखिरी 2-3 दिन से 45,000 से ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो ऊपर से महाराष्ट्र और केरल में कोरोना वायरस के मरीज जो बढ़ोतरी भी हो रही है, तो ये एकदम निर्देश है, एकदम इशारा है कि थर्ड लहर भी आ चुकी है। तो दोस्तों ये न्यूज जो आया है, ये अमर उजाला न्यूज़ में आया था, तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।